भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बैंक रोड से युवा विजय संकल्प बाइक रैली निकाला। आपको बता दें कि बाइक रैली का शुभारंभ टाउन हॉल स्थित शिवाय होटल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा ये रैली टाउन हॉल से कचहरी चौक होते हुए शास्त्री चौक, बेतिहाता चौक, अलहदादपुर चौक, घंटाघर, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, कचहरी व मोहद्दीपुर होते हुए झारखंडी में मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में समापन हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना प्रसारण व युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु त्रिवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सूरज राय, पवन यादव, क्षेत्रीय मंत्री अंबिकेश्वर दुबे, कोषाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, मुकेश सिंह, भाजपा महानगर महामंत्री इंद्रमणि, उपाध्यक्ष महानगर उपाध्यक्ष संजू यादव, कर्मवीर सिंह, आशीष ओझा, महामंत्री रजत गुप्ता, हर्ष श्रीवास्तव, महानगर मीडिया प्रभारी राहुल सहानी, शशांक द्विवेदी, राहुल गिरी, अभिषेक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए सदर विधानसभा प्रभारी विवेकानंद वर्मा, भारत सरकार के सूचना प्रसारण व युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा। Yeah.
विवेकानंद वर्मा, शहर प्रभारी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता, शहर विधानसभा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या जी के नेतृत्व में गोरखपुर शहर का भ्रमण करेंगे और महाराज जी का सायंकाल 4 बजे जो इंजीनियरिंग कॉलेज पर झारखंडी में एक जनसभा है उसमें सब शामिल हो रहे हैं। और सभी लोगों ने संकल्प लिया, सारे नौजवानों ने, कि आज तक जो गोरखपुर में वोट पड़ा है, आज उस सारे रिकॉर्ड को हम तोड़ करके पुनः योगी जी को भारी बहुमत से जिता करके और उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की जो संख्या आने वाली है पुनः योगी जी की सरकार बनाएंगे। कितने वोटों से जीतेंगे महाराज जी का? आज तो मैं बताया, मैंने एक दिन पहले आप लोगों से मीडिया से बात किया था, कहा था ये जितने राजनीतिक दल सपा बसपा सब लड़ रहे हैं अपने नाम चर्चा के लिए, उनको जो चंदा अंदा वसूलना था वसूल लिए। और 25 तारीख से मैंने कहा था 25 तारीख के बाद सारे कैंडिडेट वो बेचारे केवल घूमेंगे, उनके घर का सारा वोट भाजपा के साथ योगी जी के साथ जा रहा है। और एक स्थिति है, बाइक रैली का उत्साह देख सकते हैं कि कैसे युवाओं में जोश है। योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा नेता जब उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं तो बुलडोजर भी चलता है माफियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सफाई भी होती है, गुंडा राज की भी, माफिया की भी, अपराधियों की भी, और विकास भी चौमुखी होता है। उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर स्थान पाता है, अब अगले 5 सालों में 1 राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा लहर रहा है, विशेष रूप में गोरखपुर में योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार सुनिश्चित रूप से आने वाली है। युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी एक युवा बाइक रैली हम निकाली है। युवाओं के ये उत्साह, ये उमंग देख के एक बात स्पष्ट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की आने में कुछ संदेह नहीं है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार 100% आने वाली। बुलडोजर एक तरफ, योगी जी का आज सिंबल बन चुका है, जो अनैतिक एक्टिविटीज करते हैं, गैर कानूनी एक्टिविटीज करते हैं, उन सब लोगों को हम ये बुलडोजर के माध्यम से एक वार्निंग दे रहे हैं, फिर एक बार योगी आने वाले हैं। दिस इज द मैसेज।